ग्रह राशियों के स्थान घर की पूर्व आदि दिशाओं में मेष आदि दो दो राशियों को और चारों कोणों में चारों द्विस्वभाव राशियों को समझें। सूतिका ग्रह के समान ही सूतिका के पलंग में भी लगन आदि भावों को समझें। वहां 3, 6, 9 और 12वें भाव को क्रमशः चारों पायों में समझना चाहिए। चंद्रमा और लगन के बीच में जितने ग्रह हों उतनी उपसूतिकाओं की प्रसव काल में उपस्थिति समझनी चाहिए। दृश्य चक्रार्ध में अर्थात सप्तम भाव से आगे लगन तक जितने ग्रह हों उतनी उपसूतिकाओं को घर से बाहर समझें और अदृश्य चक्रार्ध में अर्थात लगन से आगे सप्तम पर्यंत जितने ग्रह हों उतनी उपसूतिकाओं की उपस्थिति घर के भीतर रहती है। बहुत से आचार्यों और मुनियों ने इससे भिन्न मत प्रकट किया है। अर्थात दृश्य चक्रार्ध में जितने ग्रह हों उतनी उपसूतिकाओं को घर के भीतर तथा अदृश्य चक्रार्ध में जितने ग्रह हों उतनी को घर के बाहर कहा है। लगन में जो नवमांश हों उनके स्वामी ग्रह के सदृश अथवा जन्म समय में जो ग्रह सबसे बली हो उसके समान शिशु का शरीर समझना चाहिए। इसी प्रकार चंद्रमा जिस नवमांश में हो उस राशि के समान वरण गौर आदि समझना चाहिए। एम दृष्कानवश लगन आदि भावों से जातक के मस्तक आदि अंग विभाग जानने चाहिए। यथा लगन में प्रथम दृष्कान हो तो लगन मस्तक 2, 12 नेत्र 3, 11 कान 4, 10 नाक 5, 9 कपोल 6, 8 धनु अर्थात ठुड्डी और 7, 7वां भाव मुख। द्वितीय दृष्कान हो तो लगन कंठ 2, 12 कंधा 3, 11 पसली 4, 10 हृदय 5, 9 भुज 6, 8 पेट और 7 नाभि। तृतीय दृष्कान हो तो लगन वास्ति अर्थात नाभि और लिंग के मध्य का स्थान 2, 12 लिंग गुदामार्ग 3, 12 अंडकोश 4, 10 चांग 5, 9 घुटना 6, 8 पिंडली और 7वां भाव पैर समझना चाहिए। जिस अंग की राशि में पाप ग्रह हो उस अंग में वरण और यदि उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उस अंग में चिन्ह तिल मशक आदि समझना चाहिए। पाप ग्रह अपनी राशि या नवमांश में अथवा स्थिर राशि में हो तो जन्म के साथ ही वरण होता है, अन्यथा उस ग्रह की दशा अंतरदिशा में आगे चलकर वरण होता है। शनि के स्थान में वात या पत्थर के आघात से, मंगल के स्थान में विष शस्त्र और अग्नि से, बुध के स्थान में मिट्टी के आघात से, सूर्य आश्रित अंग में काष्ठ और पशु से, शीन चंद्र आश्रित अंग में सींग वाले पशु और जलचर के आघात से वरण होता है। जिस अंग की राशि में 3 पाप ग्रह हों उस अंग में निश्चित रूप से वरण होता ही है। षष्ठ भाव में पाप ग्रह हों तो उस राशि के आश्रित अंग में वरण होता है, यदि उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उस अंग में तिल या मसा होता है, यदि शुभ ग्रह का योग हो तो उस अंग में चिन्ह दाग मात्र होता है। ग्रह के स्वरूप पर गुणों का वर्णन। सूर्य की आकृति चतुरस्त्र है, शीर की कांति नेत्र पिंगल है, पित्त प्रधान प्रकृति है और उसके मस्तिष्क पर थोड़े से केश हैं। चंद्रमा का आकार गोल है, उसकी प्रकृति में वात और कफ की प्रधानता है, वे पंडित और मृदुभाषी है तथा उसके नेत्र बड़े सुंदर हैं। मंगल की दृष्टि क्रूर है, युवावस्था है, पितृ प्रधान प्रकृति है और वह चंचल स्वभाव का है। बुध की प्रकृति में कफ पित्त और वात की प्रधानता है, वह हास्यप्रिय और अनेक आर्थक शब्द बोलने वाला है। बृहस्पति की अंग कांति केश और नेत्र पिंगल हैं, उनका शीर बड़ा है, प्रकृति में कफ की प्रधानता है और वे बड़े बुद्धिमान हैं। शुक्र के अंग और नेत्र सुंदर हैं, मस्तक पर कारे कुराले केश हैं और वे सर्दा सुखी रहने वाले हैं। शनि का शीर लंबा और नेत्र कपिल वर्ण के हैं, उनकी वात प्रधान प्रकृति है, उनके केश कठोर हैं और वे बड़े आलसी हैं। ग्रहों के धातु स्नायु शिरा
हड्डी शोनि त्वचा वीर वसा मज्जा ये क्रमशः शनि सूर्य चंद्र बुध शुक्र गुरु और मंगल के धातु हैं। अरिष्ट कथन चंद्रमा लगन और पाप ग्रह ये राशि के अंतिमांश में हो अथवा चंद्रमा और तीनों पाप ग्रह ये लगन आदि चारों केंद्रों में हो तथा कर्क लगन हो तो जातक की मृत्यु होती है। दो पाप ग्रह लगन और सप्तम भाव में हो तथा चंद्रमा एवं पाप ग्रह से युक्त हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो शिशु का शीघ्र मरण होता है। 102-103 शीन चंद्रमा 12वें भाव में हो पाप ग्रह लगन और अष्टम भाव में हो तथा शुभ ग्रह केंद्र में ना हो तो उत्पन्न शिशु की मृत्यु होती है अथवा पापयुक्त चंद्रमा सप्तम में द्वादश या लगन में स्थित हो तथा उस पर केंद्र से भिन्न स्थान में स्थित शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो जातक की मृत्यु होती है। यदि चंद्रमा 6-8 स्थान में रहकर पाप ग्रह से देखा जाता हो तो शिशु का शीघ्र मरण होता है। शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो 8 वर्ष में और शुभ तथा पाप ग्रह दोनों से दृष्ट हो तो 4 वर्ष में जातक की मृत्यु होती है। शीन चंद्रमा लगन में तथा पाप ग्रह 8, 1, 4, 7, 10 में स्थित हों तो उत्पन्न बालक का मरण होता है अथवा दो पाप ग्रहों के बीच में होकर चंद्रमा 4, 7, 8 स्थान में स्थित हो या लगन की दो पाप ग्रहों के बीच में हो तो जातक की मृत्यु होती है। पाप ग्रह 7, 8 में हों और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो माता सहित शिशु की मृत्यु होती है। राशि के अंतिमांश में चंद्रमा पाप ग्रह से अदृष्ट हो तथा पाप ग्रह त्रिकोण 5-9 में हो अथवा लगन में चंद्रमा और सप्तम में पाप ग्रह हो तो शिशु का मरण होता है। राहु ग्रस्त चंद्रमा पाप ग्रह से युक्त और मंगल अष्टम भाव में स्थित हो तो माता और शिशु दोनों की मृत्यु होती है। इस प्रकार राहु ग्रस्त सूर्य यदि पाप ग्रह से युक्त हो तथा बलि पाप ग्रह अष्टम भाव में स्थित हो तो माता और शिशु का शस्त्र से मरण होता है। आयुर्दायक कथन चंद्रमा और बृहस्पति से युक्त कर्क लगन हो बुध और शुक्र केंद्र में हो और शेष ग्रह रवि मंगल एवं शनि 3, 6, 11 स्थान में हो तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक की आयु बहुत अधिक होती है। मीन लगन में मीन का नवमांश हो बुध वृष में 25 कला पर हों तथा शेष सब ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में हों तो जातक की आयु परम 120 वर्ष 5 दिन की होती है। लग्नेश वली होकर केंद्र में हो उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो बालक धन सहित दीर्घायु होता है। चंद्रमा अपने उच्च में हो शुभ ग्रह अपनी राशि में हो बलि लग्नेश लगन में हो तो जातक की 60 वर्ष की आयु होती है। केंद्र में शुभ ग्रह हो और अष्टम भाव शुद्ध ग्रह रहित हो तो 70 की आयु होती है। शुभ ग्रह अपने अपने मूल त्रिकोण में हो गुरु अपने उच्च में हो तथा लग्नेश बलवान हो तो 80 वर्ष की आयु होती है। सबल शुभ ग्रह केंद्र में हो और अष्टम भाव में कोई ग्रह ना हो तो 30 वर्ष की आयु होती है। अष्टमेश नाम भाव में हो बृहस्पति अष्टम भाव में रहकर पाप ग्रह से दृष्ट ही हो तो 24 वर्ष की आयु होती है। लग्नेश और अष्टमेश दोनों अष्टम भाव में स्थित हों तो 27 वर्ष की आयु होती है। लगन में पाप ग्रह सहित बृहस्पति हो उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो तथा अष्टम में कोई ग्रह ना हो तो 22 वर्ष की आयु समझनी चाहिए। शनि नवम भाव या लगन में हो शुक्र केंद्र में हो और चंद्रमा 12 या 9 में हो तो 100 वर्ष की आयु होती है। बृहस्पति कर्क में होकर केंद्र में हो अथवा बृहस्पति और शुक्र दोनों केंद्र में हो तो 100 वर्ष की आयु समझनी चाहिए। अष्टमेश लगन में हो और अष्टम भाव में शुभ ग्रह ना हो तो 40 वर्ष की आयु होती है। लग्नेश अष्टम भाव में और अष्टमेश लगन में हो तो 5 वर्ष की आयु होती है। शत्रु और बृहस्पति एक रात्रि में ही अथवा बुध और चंद्रमा लगन या अष्टम भाव में हो तो 50 वर्ष की आयु होती है।
मुनि, मैंने इस प्रकार ग्रह योग संबंध से आयुर्दाय का प्रमाण कहा है, अब गणित द्वारा स्पष्ट आयुर्दाय का वर्णन करता हूँ। सूर्य, चंद्रमा और लगन से यदि सूर्य अधिक बली हो तब पिंड आयु, चंद्रमा बली हो तो निसर्ग आयु और लगन बली हो तो आयुंश का साधन करना चाहिए और उसका साधन मैं बतलाता हूँ। श्री नारद पुराण में पिंड आयु और निसर्ग आयु का साधन, सूर्य आदि ग्रह अपने अपने उच्च में हो तो क्रमशः 19, 25, 15, 12, 15, 21 और 20 वर्ष पिंड आयु के प्रमाण होते हैं तथा 20, 1, 2, 9, 18, 20, 50 ये क्रमशः सूर्य आदि ग्रहों के निसर्ग आयु और दाय के प्रमाण होते हैं। पिंड आयु और निसर्ग आयु में आयु साधन करना हो तो राशि आदि ग्रह में अपने उच्च को घटाना चाहिए। यदि वह 6 राशि से अल्प हों तो उसको 12 राशि में घटाकर ग्रहण करें, उसके अंश बनाने से वह आयुर्दाय साधन में उपयोगी होता है। जो ग्रह शत्रु के ग्रह में हों उनके अंशों में उसी का तृतीयांश घटाएं। यदि वह ग्रह वक्र गति ना हो तभी ऐसा करना चाहिए। यदि ग्रह वक्र गति हो तो शत्रु ग्रह में रहने पर भी तृतीयांश नहीं घटाना चाहिए तथा शनि और शुक्र को छोड़कर अन्य ग्रह अस्त हों तो उनके अंशों में आधा घटा देना चाहिए। शनि और शुक्र अस्त हों तो भी उनके अंशों में आधा नहीं घटाना चाहिए। यदि किसी ग्रह में दोनों हानि प्राप्त हों, अर्थात वे शत्रु ग्रह में हों और अस्त भी हों तो उसमें अधिक हानि मात्र करें, केवल आधा घटावें, तृतीयांश नहीं। यदि लगन में पाप ग्रह हों तो उसकी राशि को छोड़कर केवल अंश आदि से आयुर्दाय के अंश को गुना करके गुणनफल में 360 का भाग देकर लब्ध अंश आदि को पूर्वोक्त अंश में घटावें। इस प्रकार पाप ग्रह के समस्त लब्धांश घटावें। यदि उसमें शुभ ग्रह का योग या दृष्टि हो तो लब्धांश का आधा घटाना चाहिए। इस तरह आगे बताए जाने वाले प्रकार से आयुर्दाय साधन योग्य स्पष्ट अंश उपलब्ध होते हैं। पिंड आयु साधन, उन स्पष्ट अंशों को अपने अपने पूर्वोक्त गुणक उच्चस्थ वर्ण संख्या 19 आदि से गुणा करके गुणनफल में 360 से भाग देने पर लब्धि वर्ष संख्या होती है। शीश को 12 से गुणा करके 360 से भाग देने पर लब्धि मास संख्या होती है। पुनः शेष को 30 से गुणा करके 360 के द्वारा भाग देने पर लब्धि दिन संख्या होगी। फिर शेष को 60 से गुणा करके 360 से भाग देने पर लब्धि घटी एवं पल आदि रूप होगी। लग्नायु साधन, लग्न की राशियों को छोड़कर अंश आदि को कला बनाकर 200 से भाग देने पर लब्धि वर्ण संख्या होती है। शेष को 12 से गुणा करके 200 से भाग देने पर लब्धि मास संख्या होगी। पुनः पूर्व 30 आदि से गुणा करके हर से भाग देने पर लब्धि दिन आदि की सूचक होगी। अंशायुर्दाय साधन में लग्न सहित ग्रहों के पृथक पृथक अंश बनाकर 40 से भाग देकर जो शेष बचे उसे आयुर्दाय साधन उपयोगी अंश आदि समझें। उसमें जो विशेष संस्कार कर्तव्य हैं उनका वर्णन करता हूँ। लगन में ग्रह को घटावें। यदि शेष 6 राशि से अल्प हों तो उसमें संस्कार विशेष करना चाहिए, अन्यथा नहीं। यदि घटाया हुआ ग्रह 6 राशि से अल्प और 1 राशि से अधिक हो तो उन अंशों से 30वें भाग देकर लब्धि को 1 में घटावें और शेष को गुणक समझें। यदि ग्रह घटाया हुआ लगन 1 राशि से अल्प हो तो उन्हीं अंशों में 30 का भाग देकर लब्धि को 1 में घटाने से शेष गुणक होता है। इस प्रकार शुभ ग्रह के गुणक को आधा करके गुणक समझें और पाप ग्रह के समस्त गुणकों को ग्रहण करें। फिर इस प्रकार के गुणकों से उपयुक्त आयुर्दाय के अंश को गुणा करें तो संस्कृत अंश होता है। ये संस्कार कहा गया है। इस संस्कृत आयुर्दाय के अंश को कलात्मक बनाकर 200 से भाग देकर लब्धि को वर्ष समझें।
फिर शेष को 12 से गुणा करके गुणनफल में 200 का भाग देने से लब्धि की मास समझें। तत्पश्चात शेष में 30 आदि से गुणा करके 200 का भाग देने से लब्धि को दिन एवं घटी आदि समझें। लगन के आयु और दाय अंश आदि को 3 से गुणा करके गुणनफल में 10 का भाग देने से जो लब्धि हो वह वर्ष है। फिर शेष को 12 आदि से गुणा करके 10 से भाग देने पर जो लब्धि हो उसे मास आदि समझे। लगन की आयु में इतनी विशेषता है कि यदि लगन सबल हो तो लगन की जितनी भुक्त राशि संख्या हो उतने वर्ष और तीक जोड़े तथा अंश आदि को ना से गुना करके 2 से गुना करके 5 का भाग देकर लब्धि को मास समझकर उसे भी जोड़े तथा शेष को 30 आदि से गुना करके हर से भाग देकर जो लब्धि आवे उसके तुल्य दिन आदि रूप फल भी जोड़े तो लग्न आयु स्पष्ट होती है। ये क्रिया पिंड आयु और निसर्ग आयु में नहीं की जाती है। दया निरूपण। लगन सूर्य और चंद्रमाएं तीनों में जो अधिक वली है प्रथम उसी की दिशा होती है, फिर उससे केंद्र स्थित ग्रहों की, तंत्र पनफर स्थित ग्रहों की, तत्पश्चात आपोकलिक स्थित ग्रहों की दिशा होती है। केंद्र आदि स्थित ग्रहों में बल के अनुसार ही पूर्व दिशा होती है। एक स्थान में स्थित दो या अधिक ग्रहों ने यदि बल की समानता हो तो उसमें जिसकी अधिक आयु हो उसकी प्रथम दिशा होती है। आयु के वर्ष आदि में भी समता हो तो जिस ग्रह का सूर्य सानिध्य से प्रथम उदय हुआ हो उसकी प्रथम दिशा होती है। अंतर दिशा कथन। दशापति पूर्ण दशा का पाचक होता है, तथापि उसके साथ रहने वाला ग्रह आधे का दशापति के त्रिकोण 5-9 में रहने वाला तृतीयांश 1/3 का, सप्तम में रहने वाला सप्तांश 1/7 का, चतुर्थ में रहने वाला 4/8 में रहने वाला चतुर्थांश 1/4 अंतर दिशा का पाचक होता है। इससे सिद्ध है कि इस स्थान से भिन्न स्थान में स्थित ग्रहों की अंतर दिशा नहीं होती है। मूल दशापति का 84, उसके साथ रहने वाले का 42, त्रिकोण में रहने वाले का 28, सप्तम में रहने वाले का 12 और चतुर्थ अष्टम में रहने वाले का 21 गुणक कहा गया है। वर्षादि रूप दशा प्रमाण को अपने अपने गुणक से गुना करके सब गुणकों के योग से भाग देने पर जो लब्धि आवे वह वर्ष होता है। शेष को 12-30 से आदि से गुना करके गुणनफल में गुणक के योग से भाग देने पर जो लब्धि आवे मास दिन आदि का सूचक होती है। नारद जी, इसी प्रकार अंतर दिशा में उपदिशा के मान समझने चाहिए। दशाफल। दशा आरंभ काल में यदि चंद्रमा दशापति के मित्र की राशि सवच्च स राशि या दशापति से 1, 4, 7, 3, 10, 11 में शुभ स्थान में हो, जो जिस भाव में चंद्रमा हो उस भाव की विशेष रूप से पुष्टि करता हुआ शुभ फल देता है। इन स्थानों से भिन्न स्थानों में हो तो उस भाव का नाशक होता है। पहले जिस ग्रह के जो द्रव्य बताए गए हैं भाव और राशियों में जो उन ग्रहों की दृष्टि तथा योग का फल कहा गया है, एम आजीव का आदि जो जो फल बताए गए हैं उन सब का विचार उस ग्रह की दिशा में करना चाहिए। जो ग्रह पाप दिशा में प्रवेश करने के लिए अपने शत्रु से देखा जाता हो वह विपत्ति कारक अत्यंत अशुभ फल देने वाला होता है, तथा जो शुभ ग्रह मित्र से दुष्ट हो और शुभ वर्ग में रहकर तत्काल बलवान हो वह सब आपत्ति दुष्ट फल को नष्ट कर देता है। जिसका आगे बताया जाने वाला अष्टक वर्ग फल पूर्ण शुभ हो तथा जो ग्रह लगन या चंद्रमा से 1, 3, 6, 10, 11 में स्वच्छ स्थान में स राशि में अपने मूल त्रिकोण में तथा मित्र की राशि में उसका शुभ फल भी मध्यम हो जाता है। मध्यम फल श्रेष्ठ हो जाता है तथा शुभ फल तो अत्यंत श्रेष्ठ होता है।
यदि वह ग्रह इससे भिन्न स्थान में हो तो उसके पाप फल की वृद्धि होती है, उसका शुभ फल भी अल्प हो जाता है। इन फलों को भी ग्रह के बलाबल को समझकर तदनुसार स्वरूप या अधिक समझना चाहिए। श्री नारद पुराण में लगन दशा फल में चार लगन में प्रथम द्वितीय तृतीय दृष्टिकान हो तो क्रम से लगन की दशा शुभ मध्यम और अशुभ फल देने वाली होती है। द्विस्वभाव लगन हो तो इससे विपरीत फल होता है, अर्थात प्रथम आदि दृष्टिकान में क्रम से अशुभ मध्यम और शुभ फल देने वाली दशा होती है। स्थिर लगन हो तो प्रथम आदि दृष्टिकान में अशुभ शुभ और मध्यम फल देने वाली दिशा होती है। लग्न यदि अपने स्वामी गुरु और बुद्ध से युक्त एवं दृष्ट हो तो उसकी दशा शुभ प्रद होती है। यदि वह पाप ग्रह से युक्त या दुष्ट हो अथवा पाप के मध्य में हो तो उसकी दशा अशुभ फल देने वाली होती है। अष्टक वर्ग कथन। सूर्य जन्मकालिक स आश्रित राशि से 1, 2, 10, 4, 8, 11, 9, 7 इन स्थानों में शुभ होता है। मंगल और शनि में भी इन स्थानों में रहने पर वह शुभ होता है। शुक्र से 7, 12, 6 में, गुरु से 9, 5, 11, 6 में, चंद्रमा से 10, 3, 11, 6 में, बुध से इन्हीं 10, 3, 11, 6 स्थानों में और 12, 5, 9 में भी वह शुभ होता है। लगन से 3, 6, 10, 11, 12, 4 इन स्थानों में सूर्य शुभ होता है। चंद्रमा लगन से 6, 3, 10, 11 स्थानों में, मंगल से 2, 5, 9 सहित इन्हीं 6, 3, 10, 11 स्थानों में, अपने स्थान से 3, 6, 10, 11, 7, 1 में, सूर्य से 3, 6, 10, 11, 7, 8 में, शनि से 6, 3, 11, 5 में, बुध से 5, 3, 8, 1, 4, 7, 10 में, गुरु से 1, 4, 7, 10, 8, 11, 12 में और शुक्र से 5, 9, 4, 3, 11, 7, 10 इन स्थानों में शुभ होता है। मंगल सूर्य से 3, 6, 10, 11, 5 में, लगन से 3, 6, 10, 11, 1 में, चंद्रमा से 3, 6, 11 में, अपने आश्रित स्थान से 1, 4, 7, 10, 8, 11, 2 में, शनि से 9, 8, 11, 1, 4, 7, 10 में, बुध से 6, 3, 5, 11 में, शुक्र से 6, 11, 2, 8 में और गुरु से 10, 11, 12, 6 शुभ स्थानों में होता है। एक बुध शुक्र से 5, 3 सहित 2, 1, 8, 9, 11, 4 स्थानों में, शनि और मंगल से 10, 7 सहित 2, 1, 8, 9, 4 और 11वें स्थान में, गुरु से 12, 6, 11, 8वें स्थानों में, सूर्य से 9, 11, 6, 5, 12वें स्थानों में, अपने आश्रित स्थान से 1, 3, 10, 9, 11, 6, 5, 12वें स्थानों में, चंद्रमा से 6, 10, 11, 8, 4, 10 में और लगन से 1 तथा पूर्वोक्त 6, 10, 11, 8, 4, 10 स्थानों में शुभ होता है। गुरु मंगल से 10, 2, 8, 1, 7, 4, 11 स्थानों में, अपने आश्रित स्थान से 3 सहित पूर्वोक्त 10, 2, 8, 1, 7, 4, 11 स्थानों में, सूर्य से 3, 9 सहित पूर्वोक्त 10, 2, 8, 1, 7, 4, 11 स्थानों में, शुक्र से 5, 2, 9, 10, 11, 6 में, चंद्रमा से 2, 11, 5, 9, 7 में, शनि से 5, 3, 6, 12 में, बुध से 9, 4, 5, 6, 2, 10, 1, 11 में तथा लगन से 7 सहित पूर्वोक्त 9, 4, 5, 6, 2, 10, 1, 11 स्थानों में शुभ होता है। शुक्र लगन से 1, 2, 3, 4, 5, 11, 8, 9 स्थानों में, चंद्रमा से भी इन स्थानों में 1, 2, 3, 4, 5, 11, 8, 9 में और 12वें स्थान में, अपने आश्रित स्थान से 10 सहित उक्त 1, 2, 3, 4, 5, 11, 8, 9 स्थानों में, शनि से 3, 5, 9, 4, 10, 8, 11 स्थानों में, सूर्य से 8, 11, 12 स्थानों में, गुरु से 9, 8, 5, 10, 11 स्थानों में, बुध से 5, 3, 11, 6, 9 स्थानों में और मंगल से 3, 6, 9, 5, 11 तथा 12वें स्थानों में शुभ होता है।
शनि अपने आश्रित स्थान से 3, 5, 11, 6 में, मंगल से 10, 12 सहित पूर्वक 3, 5, 11, 6 स्थानों में, सूर्य से 1, 4, 7, 10, 11, 8, 2 में, लगन से 3, 6, 10, 11, 1, 4 में, बुध से 9, 8, 11, 6, 10, 12 में, चंद्रमा से 11, 3, 6 में, शुक्र से 6, 11, 12 में और गुरु से 5, 11, 6 स्थानों में शुभ होता है। उपयुक्त स्थानों में ग्रह रेखाप्रद और अनुक्त स्थानों में बिंदुप्रद होते हैं। जो ग्रह लगन या चंद्रमा से वृद्धि या उपचय स्थान 3, 6, 10, 11 में हों या अपने मित्र ग्रह में उस स्थान में तथा उच्च राशि में स्वराशि में स्थित हों, उसके द्वारा शुभ फल की अधिकता होती है। और इससे भिन्न स्थानों में जो ग्रह हों उनके द्वारा अशुभ फलों की अधिकता होती है। एकादि रेखा वाले स्थान का फल उक्त प्रकार से जिस स्थान में एक रेखा हो वहाँ ग्रह के जाने पर कष्ट होता है। 2 रेखा वाले स्थान में जाने से धन का नाश होता है। 3 रेखा वालों में जाने से क्लेश होता है। 4 रेखा वाले स्थान में ग्रह के पहुँचने से मध्यम फल होता है। शुभ अशुभ फल की तुल्यता होती है। 5 रेखा वाले स्थान में सुख की प्राप्ति होती है। 6 रेखा वाले में धन का लाभ। 7 रेखा वाले स्थान में सुख तथा 8 रेखा वाले स्थान में 4 वर्ष ग्रह के जाने पर अभीष्ट फल की सिद्धि होती है। आजीव का कथन में जन्मकालिक लगन और चंद्रमा से 10वें स्थान में यदि सूर्य आदि ग्रह हों तो क्रम से माता पिता शत्रु मित्र भाई स्त्री और नौकर के द्वारा धन का लाभ होता है। जन्म लगन जन्मकालिक चंद्र तथा जन्मकालिक सूर्य इन तीनों से दशम स्थान के स्वामी जिस नवमांश में हों उस नवमांश के अधिपति की वृत्ति से आजीव का समझनी चाहिए। यथा उक्त दशम स्थानों के स्वामी सूर्य के नवमांश में हों तो तृण पत्र पुष्प आदि स्वर्ण औषधि ऊन ऊनी वस्त्र तथा रेशम आदि से जीविका समझें। चंद्रमा के नवमांश में हों तो खेती जलज मोती मूंगा शंख सीप आदि और स्त्री के द्वारा जीविका चलती है। मंगल के नवमांश हों तो धातु अस्त्र शस्त्र तथा साहस से जीवन निर्वाह होता है। बुध के नवमांश में हों तो काव्य शिल्प कला आदि से। गुरु के नवमांश में हों तो देवता और ब्राह्मणों के द्वारा तथा लोहा सोना आदि की खान से। ब्राह्मणों के नवमांश में हों तो चांदी गऊ तथा रत्न आदि से। और शनि के नवमांश में हों तो पर पीड़न परिश्रम और नीच कर्म द्वारा धन की प्राप्ति होती है। राजयोग का वर्णन। शनि सूर्य गुरु और मंगल ये चारों यदि अपने अपने उच्च में हों और इन्हीं में कोई एक लगन में हो तो इन चारों लग्नों में जन्म लेने वाले बालक राजा होते हैं। लगन अथवा चंद्रमा वर्गोत्तम नवमांश में हों और उस पर 4, 5, 6 ग्रह की दृष्टि हो तो इसके 22 भेद में 22 प्रकार के राजयोग होते हैं। मंगल अपने उच्च में हो, रवि और चंद्रमा धन राशि में हो और मकरस्थ शनि लगन में हो तो जातक राजा होता है। मेष का उच्च मेष का रवि लगन में हो, चंद्रमा सहित शनि सप्तम भाव में हो, बृहस्पति अपनी राशि धनु या मीन में हो तो जन्म लेने वाला राजा होता है। शनि अथवा चंद्रमा अपनी उच्च राशि का होकर लगन में हो, षष्ठ भाव में सूर्य और बुध हो, शुक्र तुला में, मंगल मेष में और गुरु कर्क में हो तो इन दोनों लग्नों में जन्म लेने से शिशु राजा होता है। उच्चस्थ मंगल यदि चंद्रमा के साथ लगन में हो तो भी जातक राजा होता है। चंद्रमा वृष लगन में हो और सूर्य गुरु तथा शनि ये क्रम से 4, 7, 10वें स्थान में हों तो जातक राजा होता है। मकर लगन में शनि हो और लग्न से 3, 6, 9 एवं 12वें भाव में क्रमशः चंद्रमा मंगल बुध तथा बृहस्पति हों तो जन्म लेने वाला बालक राजा होता है। गुरु सहित चंद्रमा धन में और मंगल मकर में हों तथा बुध या शुक्र अपने उच्च में स्थित होकर लगन में विद्यमान हो तो उन दोनों योगों में जन्म लेने वाला शिशु राजा होता है। बृहस्पति सहित करक लगन हो, बुध चंद्रमा तथा शुक्र 3 और 11वें भाव में हो और सूर्य मेष में हो
तो जातक राजा होता है। चंद्रमा सहित मीन लगन हो, सूर्य शनि मंगल ये क्रम से सिंह कुंभ और मकर में हो तो उत्पन्न बालक राजा होता है। मंगल सहित मेष लगन हो, बृहस्पति कर्क में हो तथा कर्कस्थ बृहस्पति लगन में भी हो तो जातक नरेश होता है। मंगल और शनि पंचम भाव में, गुरु चंद्रमा तथा शुक्र चतुर्थ भाव में और बुध कन्या लगन में हो तो जन्म लेने वाला शिशु राजा होता है। मकर लगन में शनि हो तथा मेष कर्क सिंह ये अपने अपने स्वामी से युक्त हों, शुक्र तुला में और बुध मिथुन में हो तो बालक यशस्वी राजा होता है। इस बताए हुए योगों में जन्म लेने वाला जिस किसी का पुत्र भी राजा होता है तथा आगे जो योग बताए जाएंगे उनमें जन्म लेने वाले राजकुमार को ही राजा समझना चाहिए। यदि अन्य व्यक्ति इस योग में उत्पन्न हुआ हो तो वह राजा के तुल्य होता है, राजा नहीं। तीन या अधिक ग्रह बली होकर अपने अपने उच्च या मूल त्रिकोण में हों तो बालक राजा होता है। सिंह में सूर्य, मेष लगन में चंद्रमा, मकर में मंगल, कुंभ में शनि और धनु में बृहस्पति हों तो उत्पन्न शिशु भोपाल होता है। शुक्र अपनी राशि में होकर चतुर्थ स्थान में स्थित हो, चंद्रमा नवम भाव में रहकर शुभ ग्रह से दृष्ट या युक्त हो तथा शीश ग्रह 3-1-11 भाव में विद्यमान हो तो जातक इस अवस्था का अधीश्वर होता है। बुध सबल होकर लगन में स्थित हो, बलवान शुभ ग्रह 9 भाव में स्थित हो तथा शीश ग्रह 9, 5, 3, 6, 10 और 11 भाव में हो तो उत्पन्न बालक धर्मात्मा नरेश होता है। चंद्रमा शनि और बृहस्पति क्रमशः 10वें 11वें तथा लगन में स्थित हो, बुध और मंगल तृतीय भाव में तथा शुक्र और रवि चतुर्थ भाव में स्थित हो तो जातक भोपाल होता है। वृष लगन में चंद्रमा, द्वित्य में गुरु, 11वें में शनि तथा शेष ग्रह भी स्थित हों तो बालक नरेश होता है। चतुर्थ भाव में गुरु, 10वें भाव में रवि और चंद्रमा, लगन में शनि और 11वें में भाव में शेष ग्रह हों तो उत्पन्न शिशु राजा होता है। मंगल और शनि लगन में हों, चंद्रमा, गुरु, शुक्र, रवि और बुध ये क्रम से 4, 7, 9, 10 और 11वें स्थान में हों तो ये सब ग्रह ऐसे बालकों को जन्म देते हैं जो भावी नरेश होते हैं। मनीश्वर, ऊपर कहे हुए योगों में उत्पन्न मनुष्य के दशम भाव या लगन में जो ग्रह हों उनकी दशा अंतर दिशा आने पर उसे राज्य की प्राप्ति होती है। इन दोनों स्थानों में ग्रह ना हों तो जन्म समय में जो ग्रह बलवान हों उनकी दशा में राज्य लाभ समझना चाहिए तथा जो ग्रह जन्म समय में शत्रु राशि अथवा अपनी नीच राशि में हो उसकी राशि में क्लेश पीड़ा आदि की प्राप्ति होती है। नाभास योग कथन। समीपवर्ती 2 केंद्र स्थानों में ही रवि से शनि पर्यंत ये सब ग्रह हों तो गदा नामक योग होता है। केवल लगन और सप्तम 2 ही स्थानों में सब ग्रह हों तो शकट योग होता है। दशम और चतुर्थ में ही सब प्रकार के स्थिति हो तो विहग अर्थात पक्षी योग होता है। 5, 9 और लगन इन 3 ही स्थानों में सब ग्रह हों तो श्रृंगाष्टक योग होता है। इसी प्रकार यदि लगन भिन्न स्थान में त्रिकोण स्थानों में ही सब ग्रह हों तो हल नामक योग होता है। लगन और सप्तम में सब शुभ का शुभ ग्रह हों अथवा चतुर्थ दशम में सब पाप ग्रह हों तो दोनों स्थिति में वज्र योग होता है। इसके विपरीत यदि लगन सप्तम में सब पाप कर्म अथवा चतुर्थ दशम में सब शुभ ग्रह हों तो यव योग होता है। यदि 4 केंद्रों में सब शुभ और पाप ग्रह मिलकर बैठे हों तो कमल योग होता है और केंद्र स्थान से बाहर 4 पन फर अथवा 4 अपोक्लिम स्थानों में हों तो सब ग्रह स्थित हों तो वापी नामक योग होता है। लगन से लगातार 4 स्थान 1, 2, 3, 4 में ही सब ग्रह मौजूद हों तो युप योग होता है। चतुर्थ में 4 स्थान 4, 5, 6, 7 में ही सब ग्रह स्थित हों तो षड नामक योग होता है। सप्तम में 4 स्थान 7, 8, 9, 10 में ही सब ग्रहों की स्थिति हो तो शक्ति योग होता है और दशम में से 4 स्थान
10, 11, 12, 1 में ही सब ग्रह मौजूद हों तो दंड योग होता है। लगन से क्रमशः 7 स्थानों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में सब ग्रह हों तो नौका योग चतुर्थ भाव से आरंभ करके लगातार 7 स्थानों में 7 ग्रह हों तो कूट योग सप्तम भाव से आरंभ करके लगातार 7 स्थानों में 7 ग्रह विद्यमान हों तो छत्र योग और दशम से आरंभ करके 7 स्थानों में सब ग्रह स्थित हो तो चाप योग नामक योग होता है। इसी प्रकार केंद्र भिन्न स्थानों से आरंभ करके लगातार 7 स्थानों में सब ग्रह हों तो अर्धचंद्र नामक योग होता है। श्री नारद पुराण में लगन से आरंभ करके एक स्थान का अंतर देकर क्रमशः 1, 3, 5, 7, 9 और 11 इन 6 स्थानों में ही सब ग्रह स्थित हों तो चक्र नामक योग होता है और द्वितीय भाव से लेकर एक स्थान का अंतर देकर क्रमशः 6 स्थानों 2, 4, 6, 8, 10, 12 में ही सब ग्रह मौजूद हो तो समुद्र नामक योग होता है। 7 से 1 स्थान तक में सब ग्रहों के रहने पर क्रमशः वीना आदि नाम वाले 7 योग होते हैं। जैसे 7 स्थानों में सब ग्रह हों तो वीना, 6 स्थानों में सब ग्रह हों तो दाम, 5 स्थानों में सब ग्रह हों तो पाश, 4 स्थानों में सब ग्रह हों तो क्षेत्र, 3 स्थानों में सब ग्रह हों तो शूल, 2 स्थानों में सब ग्रह हों तो युग और 1 ही स्थान में सब ग्रह हों तो गोल नामक योग होता है। सब ग्रह चर राशि में हों तो रज्जु, स्थिर राशि में हों तो मुसल और द्वि स्वभाव में हो तो नल नामक योग होता है। सब शुभ ग्रह केंद्र स्थानों में हों तो माला और सब पाप ग्रह केंद्र स्थानों में हों तो सर्प नामक योग होता है। इन योगों में जन्म लेने वालों के फल। रज्जु योग में जन्म लेने वाला बालक ईर्ष्यावान और राह चलने, यात्रा करने या घूमने फिरने की इच्छा वाला होता है। मुसल योग में उत्पन्न होने वाला शिशु धन और मान से युक्त होता है। नल योग में उत्पन्न पुरुष अंगहीन, स्थिर बुद्धि और धनी होता है। माला योग में पैदा हुआ मानव भोगी होता है और सर्प योग में उत्पन्न हुआ दुख से पीड़ित होता है। वीना योग में जिसका जन्म हुआ हो वह मनुष्य सब कार्यों में निपुण तथा संगीत और नृत्य में रुचि रखने वाला होता है। दाम योग में उत्पन्न मनुष्य दाता और धनाढ्य होता है। पाश योग में उत्पन्न धनवान और सुशील होता है। केदार क्षेत्र योग में पैदा हुआ खेती से जीविका चलाने वाला होता है तथा शूर योग में उत्पन्न पुरुष शूरवीर, शस्त्र से आघात न पाने वाला और धनहीन होता है। युग योग में जन्म लेने वाला पाखंडी तथा गौर योग में उत्पन्न मनुष्य मलिन और निर्धन होता है। चक्र योग में जन्म लेने वाले पुरुष के चरणों में राजा लोग भी मस्तक झुकाते हैं। समुद्र योग में उत्पन्न पुरुष राजोचित भोगों से संपन्न होता है। अर्धचंद्र में पैदा हुआ बालक सुंदर शरीर वाला तथा चाप योग में उत्पन्न शिशु सुखी और शूरवीर होता है। छत्र योग में उत्पन्न मनुष्य मित्रों का उपकार करने वाला तथा कूट योग में उत्पन्न मिथ्याभाषी और जेल का मालिक होता है। नौका योग में उत्पन्न पुरुष निश्चय ही यशस्वी और सुखी होता है। यूप योग में जन्म लेने वाला मनुष्य दानी, यज्ञ करने वाला और आत्मवान, मनस्वी और जितात्मा होता है। शर योग में उत्पन्न मनुष्य दूसरों को कष्ट देने वाला और गोपनीय स्थानों का स्वामी होता है। शक्ति योग में उत्पन्न नीच, आलसी और निर्धन होता है तथा दंड योग में उत्पन्न पुरुष अपने प्रियजनों से वियोग का कष्ट भोगता है। चंद्र योग का कथन। यदि चंद्रमा से द्वितीय में सूर्य को छोड़कर कोई भी अन्य ग्रह हो तो सुनफा योग होता है। द्वादश में हो तो अनफा और दोनों 2, 12 स्थानों में ग्रह हों तो दुरुधरा योग समझना चाहिए। अन्यथा अर्थात 2, 12 में कोई ग्रह नहीं हो तो कैमद्रुम योग होता है। उक्त योगों का फल। सुनफा योग में जन्म लेने वाला पुरुष अपने भुजबल से उपार्जित धन का भोगी, दाता, धनवान और सुखी होता है। अनफा योग में उत्पन्न मनुष्य रोगहीन, सुशील, विख्यात और सुंदर रूप वाला होता है। दुरुधरा योग में जन्म लेने वाला भोगी, सुखी, धनवान, दाता और विषयों से निष्प्रिय होता है। केमद्रुम योग में उत्पन्न मनुष्य अत्यंत मलिन, दुखी, नीच और निर्धन होता है। द्विग्रह योग फल। मुनि, सूर्य यदि चंद्रमा से युक्त हो तो भांति भांति के यंत्र, मशीन और पत्थर के कार्य में कुशल बनता है।
मंगल से युक्त हो तो वह बालक को नीच क्रम में लगाता है, बुध से युक्त हो तो यशस्वी कार्यकुशल विद्वान एवं धनी बनाता है, गुरु से युक्त हो तो दूसरों के कार्य करने वाला, शुक्र से युक्त हो तो धातुओं तांबा आदि के कार्य में निपुण तथा पात्र निर्माण कला का जानकार बनता है। चंद्रमा यदि मंगल से युक्त हो तो जातक कूट वस्तु नकली सामान स्त्री और आसव अरिष्ट आदि का क्रय विक्रय करने वाला तथा माता का द्रोही होता है। बुध के साथ चंद्रमा हो तो उत्पन्न शिशु को धनी कार्यकुशल तथा विनय और कीर्ति से युक्त करता है। गुरु से युक्त हो तो चंचल बुद्धि कुल में मुख्य प्राकर्मी और अधिक धनवान बनाता है। यदि शुक्र से युक्त चंद्रमा हो तो बालक को वस्त्र निर्माण कला का ज्ञाता बनाता है और यदि शनि से युक्त हो तो वह बालक को ऐसी स्त्री के पेट से उत्पन्न कराता है जिसने पति के मरने पर या जीते जी दूसरे पति से संबंध स्थापित कर लिया हो। मंगल यदि बुध से युक्त हो तो उत्पन्न हुआ बालक बाहु से युद्ध करने वाला पहलवान होता है। गुरु से युक्त हो तो नगर का मालिक, शुक्र से युक्त हो तो जुआ खेलने वाला तथा गायों की पालने वाला और शनि से युक्त हो तो मिथ्यावादी तथा जुआरी होता है। बुध यदि बृहस्पति से युक्त हो तो उत्पन्न शिशु नृत्य और संगीत का प्रेमी होता है, शुक्र से युक्त हो तो मायावी और शनि से युक्त हो तो उत्पन्न मनुष्य लोभी और क्रूर होता है। गुरु यदि शुक्र से युक्त हो तो मनुष्य विद्वान, शनि से युक्त हो तो रसोईया अथवा घड़ा बनाने वाला कुम्हार होता है, शुक्र यदि शनि के साथ हो तो मंद बुद्धि वाला तथा स्त्री के आश्रय से धन उपार्जन करने वाला होता है। यदि जन्म समय में चार या चार से अधिक ग्रह एक स्थान में बलवान हो तो मनुष्य ग्रह त्यागी सन्यासी होता है। उन ग्रहों में मंगल, बुध, गुरु, चंद्रमा, शुक्र, शनि और सूर्य बली हो तो मनुष्य क्रमशः शाक्य, रक्त वस्त्रधारी, बोध, आजीवक अर्थात दंडी, भिक्षु अर्थात यति, वृद्ध अर्थात वृद्ध श्रावक, चरक अर्थात चक्रधारी, आहरी अर्थात नग्न और फल आहारी होता है। प्रवज्ञाकारक ग्रह यदि अन्य ग्रह से पराजित हो तो मनुष्य उस प्रवज्ञा से गिर जाता है। यदि प्रवज्ञाकारक ग्रह सूर्य सानिध्यवश अस्त हो तो मनुष्य उसकी दीक्षा ही नहीं लेता और यदि वह ग्रह बलवान हो तो उसकी प्रवज्ञा में प्रीति रहती है। जन्म राशि को यदि अन्य ग्रह नहीं देखता हो तो जन्म राशिश यदि शनि को देखता हो अथवा निर्बल जन्म राशिश को शनि देखता हो या शनि के दृष्टान अथवा मंगल या शनि के नवमांश में चंद्रमा हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो इन योगों में विरक्त होकर ग्रह त्याग करने वाला पुरुष संन्यास धर्म की दीक्षा लेता है। अश्विनी नक्षत्र में जन्म हो तो बालक सुंदर रूप वाला और भूषण प्रिय होता है। भरनी में उत्पन्न शिशु सब कार्य में समर्थ और सत्यवक्ता होता है। कृतिका में जन्म लेने वाला अमिताहारी पर स्त्री में आसक्त, स्थिर बुद्धि और प्रिय वक्ता होता है। रोहिणी में पैदा हुआ मनुष्य धनवान, मृगशिरा में भोगी, आद्रा में हिंसा स्वभाव वाला शठ और अपराधी, पुनर्वसु में जितेंद्रिय रोगी और सुशील तथा पुख्य में कवि और सुखी होता है। आश्लेषा नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य धूर्त, शठ, कृतघ्न, नीच और खान पान का विचार न रखने वाला होता है। मघा में भोगी, धनी और देवादि का भक्त होता है। पूर्वा फाग्नी में दाता और प्रिय वक्ता होता है। उत्तर फाग्नी में धनी और भोगी, हस्त में चोर स्वभाव और ढीठ और निर्लज तथा चित्रा में नाना प्रकार के वस्त्र धारण करने वाला और सुंदर नेत्रों से युक्त होता है। स्वाति में जन्म लेने वाला मनुष्य धर्मात्मा और दयालु होता है। विशाखा में लोभी, चतुर और क्रोधी, अनुराधा में भ्रमणशील और विदेशवासी, ज्येष्ठा में धर्माता और संतोषी, मूल में धनी, मानी और सुखी होता है। पूर्वाषाढ़ में मानी, सुखी और रिष्ट, उत्तराषाढ़ में विनयी और धर्मात्मा, श्रवण नक्षत्र में धनी, सुखी और लोक में विख्यात तथा धनिष्ठा नक्षत्र में दानी, शूरवीर और धनवान होता है। शतविता नक्षत्र में शत्रु को जीतने वाला तथा व्यसन में आसक्त, पूर्व भाद्रपद में स्त्री के वशीभूत और धनवान, उत्तर भाद्रपद में वक्ता, सुखी और सुंदर तथा रेवती में जन्म लेने वाला शूरवीर, धनवान और पवित्र हृदय वाला होता है।
मेष आदि राशि चंद्र राशि में जन्म का फल। मेष राशि में जन्म लेने वाला कामी शूरवीर और कृतज्ञ, वृष में सुंदर, दानी और क्षमावान, मिथुन में स्त्री भोग आसक्त, झूठ विद्या को जानने वाला तथा कर्क राशि में स्त्री के वृषभूत और छोटे शरीर वाला होता है। सिंह राशि में स्त्री द्वेषी, क्रोधी, मानी, प्राकर्मी, स्थिर बुद्धि और सुखी होता है। कन्या राशि में धर्मात्मा, कोमलता शरीर वाला तथा सुबुद्धि होता है। तुला राशि में उत्पन्न पुरुष पंडित, ऊंचे कद वाला और धनवान होता है। वृश्चिक में जन्म लेने वाला रोगी लोक में पूज्य और शत आघात युक्त होता है। धनु में जन्म लेने वाला कवि, शिल्पज्ञ और धनवान, मकर में कार्य करने में उत्साही, व्यर्थ घूमने वाला और सुंदर नेत्रों से युक्त, कुंभ में पर स्त्री और पर धन हरण करने के स्वभाव वाला तथा मीन में धनु सदृश कवि और शिल्पज्ञ होता है। यदि चंद्रमा की राशि बली हो तथा राशि का स्वामी और चंद्रमा दोनों बलवान हो तो ऊपर कहे हुए फल पूर्ण रूप से संघटित होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। अन्यथा विपरीत फल अर्थात निर्बल हो तो फल का अभाव या बल के अनुसार फल में भी तारतम्य जानना चाहिए। इसी प्रकार अन्य ग्रहों की राशि के अनुसार फल का विचार करना चाहिए। सूर्य आदि ग्रह राशि फल। सूर्य यदि मेष राशि में हो तो जातक लोक में विख्यात होता है। वृष में हो तो स्त्री का द्वेषी, मिथुन में हो तो धनवान, कर्क में हो तो उग्र स्वभाव वाला, सिंह में हो तो मूर्ख, कन्या में हो तो कवि, तुला में हो तो कलवार, वृश्चिक में हो तो धनवान, धनु में हो तो लोक पूज्य, मकर में हो तो लोभी, कुंभ में हो तो निर्धन और मीन में हो तो जातक सुख से रहित होता है। मंगल यदि सिंह में हो तो जातक निर्धन, कर्क में हो तो धनवान। स्वराशि मेष वृश्चिक में हो तो भ्रमणशील, बुध राशि कन्या मिथुन में हो तो कृतज्ञ, गुरु राशि धनु मीन में हो तो विख्यात, शुक्र राशि वृषातुल्य में हो तो पर स्त्री में आसक्त, मकर में हो तो बहुत पुत्र और धनवान वाला तथा कुंभ में हो तो दुखी, दुष्ट और मिथ्या स्वभाव वाला होता है। बुध यदि सूर्य की राशि सिंह में हो तो स्त्री का द्वेषी, चंद्र राशि कर्क में हो तो अपने परिजनों का द्वेषी, मंगल की राशि मेष वृश्चिक में हो तो निर्धन और सत्वहीन, अपनी राशि मिथुन कन्या में हो तो बुद्धिमान और धनवान, गुरु की राशि धनु मीन में हो तो मान और धन से युक्त, शुक्र की राशि वृषातुला में हो तो पुत्र और स्त्री से उत्पन्न तथा शनि की राशि मकर कुंभ में हो तो ऋणी होता है। गुरु यदि सिंह में हो तो सेनापति, कर्क में हो तो स्त्री पुत्र आदि से युक्त एवं धनी, मंगल की राशि मेष वृश्चिक में हो तो धनी और क्षमाशील, बुध की राशि मिथुन कन्या में हो तो वस्त्र आदि विभव से युक्त, अपनी राशि धनु मीन में हो तो मंडल जिला का मालिक, शुक्र की राशि वृषा तुला में हो तो धनी और सुखी तथा शनि की राशि मकर कुंभ में हो तो मकर मेष ऋणवान और कुंभवान, कुंभ में धनवान होता है। शुक्र सिंह में हो तो जातक स्त्री द्वारा धन लाभ करने वाला, कर्क में हो तो घमंड और शोक से युक्त, मंगल की राशि मेष वृश्चिक में हो तो बंधुओं से द्वेष रखने वाला, बुध की राशि मिथुन कर्क में हो तो धनी और पाप स्वभाव, गुरु की इस राशि धनु मीन में हो तो धनी और पंडित, अपनी राशि वृष तुला में हो तो धनवान और क्षमावान तथा शनि की राशि मकर कुंभ में हो तो स्त्री से पराजित होता है। शनि यदि सिंह में हो तो पुत्र और धन से रहित, कर्क में हो तो धन और संतान से हीन, मंगल की राशि मेष वृश्चिक में हो तो निर्बुद्धि और मित्रहीन, बुध की राशि मिथुन कन्या में हो तो प्रधान रक्षक, गुरु की राशि धनु मीन में हो तो सुपुत्र उत्तम स्त्री और धन से युक्त, शुक्र की राशि वृषा तुला में हो तो राजा, अपनी राशि में हो तो जातक ग्राम का अधिपति होता है। चंद्र पर दृष्टि का फल। मेष स्थित चंद्रमा पर मंगल आदि ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक कर्म से राजा, पंडित, गुणवान, चोर स्वभाव तथा निर्धन होता है। वृषस्थ चंद्रमा पर मंगल आदि ग्रहों की दृष्टि हो तो क्रम से निर्धन, चोर स्वभाव, राजा, पंडित तथा भृत्य होता है। मिथुन राशि में स्थित चंद्रमा पर मंगल आदि ग्रहों की दृष्टि हो तो मनुष्य क्रमशः धातुओं से आदि कार्य करने वाला, राजा, पंडित, निर्भय, वस्त्र बनाने वाला तथा धनहीन हो तो
धनहीन होता है। अपनी राशि कर्क में स्थित चंद्रमा पर यदि मंगल आदि ग्रहों की दृष्टि हो तो जन्म लेने वाला शिशु क्रमशः योद्धा, कवि, पंडित, धनी, धातु से जीविका करने वाला तथा नित रोगी होता है। सिंह राशिस्थ चंद्रमा पर यदि बुध आदि ग्रहों की दृष्टि हो तो मनुष्य क्रमशः ज्योतिषी, धनवान, लोक में पूज्य, नाई, राजा तथा नरेश होता है। कन्या राशि स्थित चंद्रमा पर बुध आदि ग्रहों की दृष्टि हो तो शुभ ग्रहों बुध, गुरु, शुक्र की दृष्टि होने पर जातक क्रमशः राजा, सेनापति एवं निपुण होता है और अशुभ शनि, मंगल, रवि की दृष्टि होने पर स्त्री के आश्रय से जीविका करने वाला होता है। तुला राशिस्थ राशि पर यदि बुध गुरु शुक्र की दृष्टि हो तो उत्पन्न बालक क्रम से भूपति, सोनार और व्यापारी होता है। यदि शेष ग्रह शनि, रवि और मंगल की दृष्टि होने पर वह हिंसा के स्वभाव वाला होता है। वृश्चिक राशिस्थ चंद्रमा पर बुध आदि ग्रहों की दृष्टि होने पर क्रम से जातक दो संतान का पिता, मृदु स्वभाव, वस्त्र आदि की रंगाई करने वाला, अंगहीन, निर्धन और भूमिपति होता है। धन राशि चंद्रमा पर बुध आदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो उत्पन्न बालक अपने कुल, पृथ्वी तथा जनसमूह का पालक होता है। शेष ग्रहों शनि, रवि तथा मंगल की दृष्टि हो तो जातक दंभी और शठ होता है। मकर राशि स्थित चंद्रमा पर बुध आदि की दृष्टि हो तो वह क्रमशः भूमिपति, पंडित, धनी, लोक में पूज्य, भूपति तथा पर स्त्री में आसक्त होता है। कुंभ राशि चंद्रमा पर भी उक्त ग्रहों की दृष्टि होने पर इसी प्रकार मकर राशि के समान फल समझना चाहिए। मीन राशि चंद्रमा पर शुभ ग्रहों बुध, गुरु और शुक्र की दृष्टि हो तो जातक क्रमशः हास्य प्रिय, राजा और पंडित होता है तथा शेष ग्रहों पाप ग्रहों की दृष्टि होने पर अनिष्ट फल समझना चाहिए। होरा अर्थात लगन के स्वामी की होरा में स्थित चंद्रमा पर उसी होरा में स्थित ग्रहों की दृष्टि हो तो वह शुभप्रद होता है। जिस तृतीयांश त्रिकोण में चंद्रमा हो उसके स्वामी से तथा मित्र राशिस्थ ग्रहों से युक्त या दृष्ट चंद्रमा शुभप्रद होता है। प्रत्येक राशि में स्थित चंद्रमा पर ग्रहों की दृष्टि होने से जो जो फल कहे गए हैं उन राशियों के द्वादशांश में स्थित चंद्रमा पर भी उन ग्रहों की दृष्टि होने से वे ही फल प्राप्त होते हैं। अब नवमांश में स्थित चंद्रमा पर भिन्न भिन्न ग्रहों की दृष्टि से प्राप्त होने वाले फलों का वर्णन करता हूँ। मंगल के नवमांश में स्थित चंद्रमा पर यदि सूर्य आदि ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक क्रमशः ग्राम या नगर का रक्षक, हिंसा के स्वभाव वाला, युद्ध में निपुण, भूपति, धनवान तथा झगड़ालू होता है। शुक्र के नवांश में स्थित चंद्रमा पर सूर्य आदि ग्रहों की दृष्टि हो तो उत्पन्न बालक क्रमशः मूर्ख, पर स्त्री में आसक्त, सुखी, काव्यकर्ता, सुखी तथा पर स्त्री में आसक्ति रखने वाला होता है। बुध के नवांश में स्थित चंद्रमा पर यदि सूर्य आदि ग्रहों की दृष्टि हो तो बालक क्रमशः नर्तक, चोर स्वभाव, पंडित, मंत्री, संगीतज्ञ तथा शिल्पकार होता है। अपने कर्क नवमांश में स्थित चंद्रमा पर यदि सूर्य आदि ग्रहों की दृष्टि हो तो वह छोटे शरीर वाला, धनवान, तपस्वी, लोभी, अपनी स्त्री की कमाई पर पलने वाला तथा कर्तव्य प्राण होता है। सूर्य के नवमांश सिंह में स्थित चंद्रमा पर यदि सूर्य आदि ग्रहों की दृष्टि हो तो बालक क्रमशः क्रोधी, राजमंत्री, निधिपति या मंत्री, राजा, हिंसा के स्वभाव वाला तथा पुत्रहीन होता है। गुरु के नवमांश में स्थित चंद्रमा पर सूर्य आदि ग्रहों की दृष्टि हो तो बालक क्रमशः हास्य प्रिय, रन में कुशल, बलवान, मंत्री, धर्मात्मा तथा धर्मशील होता है। शनि के नवमांश में स्थित चंद्रमा पर यदि सूर्य आदि ग्रहों की हो तो जातक क्रमशः अल्प संतति, दुखी, अभिमानी, अपने कार्य में तत्पर, दुष्ट, स्त्री का पति तथा कृपण होता है। जिस प्रकार मेष आदि राशि या उसके नवमांश में स्थित चंद्रमा पर सूर्य आदि ग्रहों की दृष्टि फल कहे गए हैं इसी प्रकार मेष आदि राशि या नवमांश में स्थित सूर्य पर चंद्र आदि ग्रहों की दृष्टि से भी फल प्राप्त होने वाले फल समझने चाहिए। फलों में न्यून अधिक के चंद्रमा यदि
वर्ग उत्तम नवमांश में हो तो पूर्वोक्त शुभ फल पूर्ण अपने नवमांश में हो तो मध्यम तथा अन्य नवमांश में हो तो अल्प समझना चाहिए। इसी से यह भी सिद्ध हो जाता है कि जो शुभ फल कहे गए हैं वे भी विपरीत दिशा में विपरीत होते हैं, अर्थात वर्ग उत्तम में चंद्रमा हो तो अशुभ फल अल्प, अपने नवमांश में हो तो आधा और अपने अन्य नवमांश में हो तो पूर्ण होते हैं। राशि और नवमांश के फलों में भिन्नता होने पर यदि नवमांश का स्वामी बड़ी हो तो वह राशि फल को रोक कर ही फल देता है। द्वादश भागवत ग्रहों के फल, सूर्य यदि लगन में हो तो शिशु शुरुवीर, धीर सूत्री, देर से काम करने के स्वभाव वाला, दुर्बल दृष्टि वाला और निर्दयी होता है। यदि मेष में रहकर लगन में हो तो भगवान धनवान और नित्य रोगी होता है और सिंह लगन में हो तो रतौंधी वाला, तुला लग्न में हो तो अंधा और निर्धन होता है, कर्क लगन में हो तो जातक की आंख में फूली होती है। द्वितीय भाव में सूर्य हो तो बालक बहुत धनी, राजदंड पाने वाला और मुख का रोगी होता है। तृतीय स्थान में हो तो पंडित और पराक्रमी होता है। चतुर्थ स्थान में सूर्य हो तो सुखहीन और पीड़ा युक्त होता है। सूर्य पंचम भाव में हो तो मनुष्य धनहीन और पुत्रहीन होता है। षष्ठ भाव में हो तो बलवान और शत्रुओं को जीतने वाला होता है। सप्तम भाव में हो तो स्थित हो तो मनुष्य अपनी स्त्री से पराजित होता है। अष्टम भाव में हो तो उसके पुत्र थोड़े होते हैं और उसे दिखाई भी कम ही देता है। नवम भाव में हो तो जातक पुत्रवान, धनवान और सुखी होता है। दशम भाव में हो तो विद्वान और पराक्रमी तथा एकादश भाव में हो तो अधिक धनवान और मानी होता है। यदि द्वादश भाव में सूर्य हो तो उत्पन्न बालक नीच और धनहीन होता है। चंद्रमा यदि मेष लगन में हो तो जातक गूंगा, बहरा, अंधा और दूसरों का दास होता है। वृष लगन में हो तो वह धनी होता है। द्वितीय भाव में हो तो विद्वान और धनवान, तृतीय भाव में हो तो हिंसा के स्वभाव वाला, चतुर्थ स्थान में हो तो उस भाव के लिए कहे हुए फलों सुख ग्रह आदि से संपन्न, पंचम भाव में हो तो कन्या रूप संतान वाला और आलसी होता है, छठे भाव में हो तो बालक मंद अग्नि का रोगी होता है, उसे अभीष्ट भोग बहुत कम मिलते हैं तथा वह उग्र स्वभाव का होता है। सप्तम भाव में हो तो जातक ईर्ष्यावान और अत्यंत कामी होता है। अष्टम भाव में हो तो रोग से पीड़ित, नवम भाव में हो तो मित्र और धन से युक्त, दशम भाव में हो तो धर्मात्मा, बुद्धिमान और धनवान होता है, एकादश भाव में हो तो उत्पन्न शिशु विख्यात, बुद्धिमान और धनवान होता है तथा द्वादश भाव में हो तो जातक शूद्र और अंगहीन होता है। मंगल लग्न में हो तो उत्पन्न शिशु शत शरीर वाला होता है। द्वितीय भाव में हो तो वह कदन्न भोजी तथा नवम भाव में हो तो पाप स्वभाव होता है। इससे भिन्न 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 स्थानों में यदि मंगल हो तो उसके फल सूर्य के समान ही होते हैं। बुध लग्न में हो तो जातक पंडित होता है। द्वितीय भाव में हो तो शिशु धनवान, तृतीय भाव में हो तो दुष्ट स्वभाव का, चतुर्थ भाव में हो तो पंडित, पंचम भाव में हो तो राजमंत्री, षष्ठ भाव में हो तो शत्रुहीन, सप्तम में हो तो धर्म ज्ञाता, अष्टम भाव में हो तो विख्यात गुण वाला और शेष 9, 10, 11, 12 भाव में हो तो जैसी सूर्य के फल कहे गए हैं वैसे ही उसके फल भी समझने चाहिए। बृहस्पति लग्न में हो तो जातक विद्वान, द्वितीय भाव में हो तो प्रियभाषी, तृतीय भाव में हो तो कृपण, चतुर्थ में हो तो सुखी, पंचम में हो तो विज्ञ, षष्ठ में हो तो शत्रु रहित, सप्तम में हो तो संपत्ति युक्त, अष्टम में हो तो नीच स्वभाव वाला, नवम में हो तो तपस्वी, दशम में हो तो धनवान, एकादश में हो तो नित्य लाभ करने वाला और द्वादश में हो तो दुष्ट हृदय वाला होता है। शुक्र लग्न में हो तो जातक कामी और सुखी, सप्तम भाव में हो तो कामी तथा पंचम भाव में हो तो सुखी होता है और अन्य भावों 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 में हो तो वह उत्तम बालक को बृहस्पति के समान ही फल देता है। शनि लगन में हो तो जातक निर्धन, रोगी, कामातुर, मलिन, बाल्यावस्था में रोगी और आलसी होता है, किंतु यदि अपनी राशि मकर, कुंभ या अपने उच्च तुला में हो तो जातक भूपति, ग्रामपति, पंडित और सुंदर शरीर वाला होता है।
अन्य द्वित्य आदि भाव में सूर्य के समान ही शनि के भी फल होते हैं। फल में न्यून अधिक शुभ ग्रह यदि आप अपने उच्च में हो तो पूर्ण रूप से उपयुक्त फल प्राप्त होता है। यदि अपने मूल त्रिकोण में हो तो तीन चरण, अपनी राशि में हो तो आधा, मित्र के ग्रह में हो तो एक चरण और शत्रु की राशि में तो उससे भी कम फल प्राप्त होता है। और नीच में या अस्त में हो तो कुछ भी फल नहीं होता है। इस प्रकार शुभ ग्रह के फल कहने से सिद्ध होता है कि पाप ग्रह का फल इसके विपरीत होता है, अर्थात पाप ग्रह नीच में या अस्त हो तो पूर्ण फल, शत्रु राशि में तीन चरण, मित्र राशि में आधा, अपनी राशि में एक चरण, अपने मूल त्रिकोण में उससे भी अल्प और अपने उच्च में हो तो अपना कुछ भी फल नहीं देता है। यदि अपनी राशि में एक ग्रह हो तो जातक अपने पिता के सदृश धनवान और यशस्वी होता है। दो ग्रह अपनी राशि में हो तो बालक अपने कुल में श्रेष्ठ, तीन ग्रह हो तो बंधुओं में माननीय, चार ग्रह हो तो विशेष धनवान, पांच ग्रह हो तो सुखी, छह ग्रह हो तो भोगी और यदि सातों ग्रह अपनी राशि में स्थित हो तो जातक राजा होता है। यदि अपने मित्र की राशि में एक ग्रह हो तो जातक दूसरे के धन से पालित, दो ग्रह हो तो मित्रों के द्वारा पोषित, तीन ग्रह हो तो ये अपने बंधुओं के द्वारा पालित होता है। यदि चार ग्रह मित्र राशि में हो तो बालक अपने बाहुबल से जीवन निर्वाह करता है, पांच ग्रह हो तो बहुत लोगों का पालन करने वाला होता है, छह ग्रह हो तो सेनापति और सातों ग्रह मित्र राशि में हो तो जातक राजा होता है। पाप ग्रह यदि विषम राशि और सूर्य की होरा में हो तो जातक लोक में विख्यात महान उद्योगी, अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान, धनवान और बलवान होता है तथा शुभ ग्रह यदि सम राशि और चंद्रमा की होरा में हो तो जातक कांतिमान, कोमल शरीर वाला, भाग्यवान, भोगी और बुद्धिमान होता है। यदि पाप ग्रह सम राशि और सूर्य की होरा में हो तो पूर्वोक्त फल मध्यम आधा होता है एवं शुभ। यदि विषम राशि और सूर्य की होरा में हो तो ऊपर कहे हुए फल नहीं प्राप्त होते हैं। चंद्रमा यदि अपने या अपने मित्र के दृष्टिकान में हो तो जातक सुंदर स्वरूप वाला और गुणवान होता है। अन्य दृष्टिकान में हो तो उस दृष्टिकान की राशि और दृष्टिकान पति के सदृश ही फल प्राप्त होता है। सारांश ये है कि उस दृष्टिकान का स्वामी यदि चंद्रमा का मित्र हो तो तीन चरण फल मिलता है, सम हो तो दो चरण आधा फल मिलता है तथा शत्रु हो तो एक चरण फल होता है। यदि सर्प दृष्टिकान, शस्त्र दृष्टिकान, चतुष्पद दृष्टिकान और पक्षी दृष्टिकान में चंद्रमा हो तो जातक क्रमशः उग्र स्वभाव, हिंसा के स्वभाव वाला, गुरु के शैया पर बैठने वाला और भ्रमणशील होता है। लगन नवमांश राशि फल में लगन में मेष का नवमांश हो तो जातक चोर स्वभाव, वृष नवमांश हो तो भोगी, मिथुन नवमांश हो तो धनी, कर्क नवमांश हो तो बुद्धिमान, सिंह नवमांश में हो तो राजा, कन्या नवमांश में हो तो नपुंसक, तुला नवमांश में हो तो शत्रु को जीतने वाला, वृश्चिक नवमांश हो तो बेकारी करने वाला, धनु का नवमांश हो तो दास कर्म करने वाला, मकर नवमांश में हो तो पाप स्वभाव का, कुंभ नवमांश में हो तो हिंसा के स्वभाव वाला और मीन नवमांश लगन में हो तो बुद्धिमान होता है। किंतु यदि वर्ग उत्तम नवमांश अर्थात जो राशि हो उसी का नवमांश भी हो तो वह जातक इन चोर स्वभाव आदि सबका शासक होता है। जैसे मेष नवमांश में उत्पन्न मनुष्य चोर स्वभाव होता है, किंतु यदि मेष राशि में मेष का नवमांश हो तो वह चोर स्वभाव वालों का शासक होता है इत्यादि। इसी प्रकार मेष आदि राशियों के नवमांश में मेष आदि राशियों के समान फल प्राप्त होते हैं। मंगल आदि ग्रहों के त्रिशांश फल, मंगल अपने त्रिशांश में हो तो जातक के स्त्री बल, आभूषण तथा परिजन आदि से संपन्न, साहसी और तेजस्वी होता है। शनि अपने त्रिशांश में हो तो रोगी, स्त्री के प्रति कुटिल, पर स्त्री में आसक्त, दुखी, वस्त्र आदि आवश्यक सामग्री से संपन्न किंतु मलिन होता है। गुरु अपने त्रिशांश में हो तो जातक सुखी, बुद्धिमान, धनी, कीर्तिमान, तेजस्वी, लोक में मान्य, रोगहीन, उद्यमी और भोगी होता है। बुद्ध अपने त्रियांश में हो तो मनुष्य में काव्य कला कुशल, काव्य और शिल्प विद्या का ज्ञाता, विवादी, कपटी, शास्त्र तत्वज्ञ
तथा सासी होता है, शुक्र अपने त्रिशांश में हो तो जातक अधिक संतान, सुख आरोग्य सौंदर्य और धन से युक्त मनोहर शरीर वाला तथा जितेंद्रिय होता है। सूर्य चंद्र फल, मंगल के त्रिशांश में सूर्य हो तो जातक शूरवीर, चंद्रमा हो तो धीर्घ सूत्री, बुध के त्रिशांश में सूर्य हो तो जातक कुटिल और चंद्रमा हो तो हिंसा के स्वभाव वाला होता है। गुरु के त्रिशांश में रवि हो तो गुणी और चंद्रमा हो तो भी गुणी होता है। शुक्र के त्रिशांश में सूर्य हो तो बालक सुखी और चंद्रमा हो तो विद्वान होता है। शनि के त्रिशांश में रवि हो तो सुंदर शरीर वाला तथा चंद्रमा हो तो सर्वजन प्रिय होता है।